तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो अंधे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। और इस डिवाइस को बना के आप किसी भी अंधे लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं और इसको आप अपने साइंस एग्जीबिशन के लिए भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं एक ब्लैक कलर की चश्मे का यूज़ कर रहा हूँ जो अंधे लोग पहनते हैं इस टाइप का। और इसके बाद आपको एक अल्ट्रासोनिक सेंसर की ज़रूरत पड़ेगा, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी कंपोनेंट का यूज़ किया गया है सभी का परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके बाद आपको इस टाइप का एक पीजो बजर लेना है जो आपको मिल जाएगा आसानी से। और फिर आपको इस टाइप का एक छोटा सा स्विच चाहिए होगा जिसको टिक टैक स्विच से बोला जाता है। और फिर आपको चाहिए होगा एक आर्डुइनो नैनो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आर्डुइनो प्रो मिनी का भी यूज़ कर सकते हो जो इससे भी छोटा आर्डुइनो होता है। और फिर मैं यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ जो 3.7 वोल्ट की आती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इससे भी छोटा बैटरी जो आता है उसका यूज़ कर सकते हो, पर ये 3.7 वोल्ट होना चाहिए नहीं तो आर्डुइनो पावर काम नहीं करेगा। और फिर हम यहाँ पर कॉपर वायर का यूज़ कर रहे हैं जो हम वायरिंग के लिए यूज़ करेंगे। हमें बहुत ही बारीक सा वायर ले रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट होगा VIN पिन के साथ आर्डुइनो का, और जो नेगेटिव है वो कनेक्ट होगा आर्डुइनो के ग्राउंड वाली पिन के साथ। और इसके बाद यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसका जो VCC का वायर है इसको हम कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट के साथ। और इसका जो ट्रिगर का पिन है उसको हमें कनेक्ट कर देना है डिजिटल पिन नंबर 10 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 पिन है, हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। और इसके बाद इसका जो इको का वायर है उसको हमें लगा देना है डिजिटल पिन नंबर 11 के साथ। और लास्टली इसका जो ग्राउंड का वायर है वो हमें लगा देना है सिंपली आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ। तो अभी हमें बजर को कनेक्ट करना है। तो बजर का जो नेगेटिव है वो कनेक्ट होगा आर्डुइनो के किसी भी ग्राउंड वाली पिन के साथ। आप देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड पिन है तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट होगा डिजिटल पिन नंबर 12 के साथ। फ्रेंड्स, हमने जो कॉपर के वायर लिए थे वो नॉन इंसुलेटेड थे और चारों को हमने सेंसर के साथ कनेक्ट किया है और चारों को हमने एक साथ वाइंड अप कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें सेंसर को लगाना है इस चश्मे के साथ किसी भी ग्लू का यूज़ करके। मैं यहाँ पर ग्लूगन का यूज़ करूँगा। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आर्डुइनो को पावर दिया है बैटरी के थ्रू और स्विच के थ्रू। जैसे हम स्विच को ऑन कर रहे हैं पावर मिल रहा है। तो देखिए एकदम सिंपल कनेक्शन है, जो पॉजिटिव है बैटरी का वो कनेक्ट हुआ है स्विच के थ्रू जाके। VIN जो पिन होता है मतलब वोल्टेज इनपुट यहाँ पर लगाया है। जो नेगेटिव है वो सिंपली GND पिन के साथ कनेक्ट हो चुका है इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, अभी हम बजर को कनेक्ट करते हैं। तो बजर का जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट हुआ है डिजिटल पिन नंबर 12 के साथ। जो नेगेटिव है वो सिंपली कनेक्ट हुआ है आर्डुइनो के ग्राउंड वाली पिन के साथ। और इसके बाद ये जो सारे सिस्टम्स है उसको हमें जो चश्मे का हैंडल है उसमें इस टाइप से लगा लेनी है।